यार मैं क्या बताऊँ, मुझे तो 3-4 रातें हो गई, नींद नहीं आ रही कि मतलब यार कि मतलब है कि लग रहा है कि मेरा बड़ा भाई चला गया। इनकी वालदा ने तो हमें बेटा बनाया हुआ था, बेटे की तरह घर में जब जाएं अदब करने वाले लोग हैं। इनकी वालदा भी मुझसे कुरान पाक पढ़ती थी, यानी वो किसी का दुख बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो तो किसी को दुखी देख ही नहीं सकते ऐसे ना। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैंने उसको गुस्से से उसके कान पकड़ के ना ऐसे मोड़ दिया, तो उसके कान में कोई फिंसी वगैरह थी, वो शायद फट गया, खून निकल आया और फिर बाद में बुखार हो गया। तो डॉक्टर साहब बाद में आए, कहने कारी साहब आपकी मैं इहतराम करता हूँ, वरना कोई बंदा होता ना तो मैं उसके हाथ तोड़ देता, प्लीज़ मेरे बच्चे को मारेगा नहीं, मेरा सबसे लाडला बेटा है। अच्छा, क्यों मतलब सबसे लाडला? हाँ जी, बहुत लाडला, बहुत। जी बिल्कुल, इस वक्त हम डॉक्टर शाहिद सदीक साहब के घर के बिल्कुल बाहर मौजूद हैं, और डॉक्टर साहब के पुराने जो इमाम हैं और उनके बच्चों को पढ़ाने वाले कारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं, इनका किस तरह तअल्लुक था, कितने जो है उनके साथ क्लोज थे, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कारी साहब पहले अपना नाम बताएँ। मेरा नाम कारी मोहम्मद हसनैन जी। कारी मोहम्मद हसनैन, मुझे बताएँ कि कितने अरसे से आप इनके बच्चों को पढ़ा रहे थे और इनके पास जो है बतौर इमाम मस्जिद थी? हाँ, मैं 98 से इनके पास हूँ जी। 98 से? हाँ जी, हाँ जी, इनके पास 26 साल हो चुके आप? हाँ जी बिल्कुल, इनके पास 26 साल। 26 साल हो चुके आपको इनके पास, किस तरह का तअल्लुक था, कितना प्यार था, कितना मोहब्बत थी? तो इनकी वालदा ने तो हमें बेटा बनाया हुआ था, बेटे की तरह घर में जब जाएँ चाय नाश्ता वगैरह जो भी है वो मतलब किसी की चीज़ की प्रॉब्लम नहीं थी यहाँ पर ना, किचन में ऑलरेडी वो मतलब कुक थे मौजूद, तो ये होता था कि हमें किसी चीज़ की वहाँ प्रॉब्लम नहीं इतने सालों में ना। बड़े अच्छे नेक लोग, सखी लोग हैं सारे के सारे, अदब करने वाले लोग हैं। इनकी वालदा भी मुझसे कुरान पाक पढ़ती थी, ठीक है ना, तो हफीज़ साहब ख़ुद भी मतलब कई दफ़े सुनाते, कई दफ़े डॉक्टर साहब भी कुरान सुनाते थे। हाँ जी, तो इनके कर सब हमारा भी थोड़ा सा सीख कर दें। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत मतलब नरम दिल लोग हैं, यानी वो किसी का दुख बर्दाश्त नहीं कर सकते, यानी खासकर इनके बड़े भाई जो है ना हफीज़ साहब, वो तो किसी को दुखी देख ही नहीं सकते ऐसे ना। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैंने कहा ये कारी साहब हफीज़ साहब मेरे पास ना पैसे नहीं हैं, तो मैं नमाज का टाइम हो रहा था, वो पता नहीं नमाज पढ़ी नहीं पढ़ी, मैं नमाज जब सलाम फेरा तो वो पैसे लेके खड़े थे कि कारी साहब ये है। तो ऐसी चीज़ें जो है ना एक अच्छे इंसान होने की चाहिए। को आप मतलब बखूबी जानते हैं, सारी बात है, 26 साल आपका तअल्लुक रहा, तो उनके साथ किसी के साथ कोई रंजिश, किसी के साथ कोई दुख नहीं? मतलब एक अच्छे इंसान थे, मेरे लिए तो बहुत अच्छे इंसान थे, मतलब कि ठीक है ना। सियासत में भी कुछ अरसे रहे लेकिन इतना ज़्यादा इन नहीं थे, थोड़ा बहुत सियासत करते थे वैसे ना, बहुत। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, नहीं ठीक है ना। लोगों की खिदमत भी करते थे बहुत ज़्यादा? हाँ, बहुत ज़्यादा खिदमत करते थे, अभी भी वो करते हैं, अभी भी देखें इनके रोज़ाना इनके यहाँ देगे पकती हैं, गरीबों के लिए दाल रोटी हुआ चलता है इनका, रमज़ान में तो बहुत बड़ा लंगर इनका चलता है, खिलाते हैं, ठीक है ना। साथ कोई ऐसी बात जो आपको बड़ी याद हो, आपको हमेशा याद रहे? यार मैं क्या बताऊँ, मुझे तो 3-4 रातें हो गई, नींद नहीं आ रही कि मतलब यार कि मतलब है कि लग रहा है कि मेरा बड़ा भाई चला गया, ठीक है ना। अब मैं एक बात बताऊँ कि मैं एक जगह नाई की दुकान में गया, तो क्योंकि मैं ग्रीन टाउन में होता हूँ, गरीब इलाका है, तो गरीब लोगों की जब शादियाँ होती हैं वो मेरे पास आते हैं, तो मैं इनके पास आ जाता हूँ। अच्छा। हाँ, तो काफ़ी लोगों की मदद करते हैं ये लोग ना, ठीक है। तो एक नाई मुझे कहने लगा, मतलब एक बंदे ने कहा कि यार बच्चियों की शादी हो गई, कहता कि यार जब तक कारी साहब है ना तो समझे कि हमें कोई परवाह नहीं है मेरे बच्चियों के लिए ना। तो मैं इतना हैरान हुआ कि मैं तो खुद फ़कीर आदमी हूँ, ये मेरे पे कह रहा है कि, हालांकि हमने तो इनसे ले जाके उनको गरीबों की मदद करनी होती थी। तो ये सारी चीज़ बातें याद आ रही हैं कि मतलब कि 2-3 दिन से बिल्कुल सुकून नहीं है मैं ना, कि क्या इतना बड़ा हादसा हो गया, क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बड़ा प्यार था आपका? बहुत प्यार था जी, बहुत ज़्यादा। कभी कोई ऐसी बात जो आपको बहुत याद हो? तो बस देखे ना, इतना अच्छा गुजरा है, कभी मैंने कहा घर में कोई अपने घर वाली बात है, कोई किसी चीज़ की अभी तक तकलीफ नहीं मतलब है। एक फैमिली मेंबर की तरह थे? हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। मैं सुबह आके पहले इनके घर तिलावत करता था, वहाँ जब था, यहाँ तो जा दूर हो गया तो थोड़ा सा मुश्किल हो गया, कभी महीने 2 महीने बाद आए तो कुरान खानी वगैरह पार्क में जो उनका बड़ा हुआ है। तनख्वाह देते थे आपको? 20,000 तनख्वाह देते थे। 20,000 तनख्वाह थी आपकी, इसके अलावा भी कभी आपको ज़रूरत पड़ी तो आप? उन्होंने बच्चों के पैसे अलग देते थे, बच्चों को पढ़ा, बच्चों को आप पढ़ाते थे? बोला उनके पैसे अलग देते हैं बिल्कुल। इनके बेटे कितने हैं टोटल? डॉक्टर साहब के 2 बेटे हैं, तैमूर अब्दुल कयूम, तैमूर हैं जी, तैमूर और अब्दुल कयूम। अब्दुल कयूम जी, जी। अच्छा, तो बच्चों को भी आपने पढ़ाया? जी मैंने पढ़ाया। कितने उम्र के थे जब आपने पढ़ाना शुरू किया? ये बिल्कुल छोटे बच्ची, इनकी छोटी थी बिल्कुल,
यहाँ समझे कि मेरे कमर जितनी इतनी छोटी थी, 4-5-6 साल की हो गया। तो तब से हमने मैंने शुरू करवाया कायदे से लेकर कुरान पाक, इनकी बच्ची ने तर्जमा भी किया। माशाल्लाह बड़ी जहीन बच्ची है इनकी। बच्चों का आपके साथ रवैया कैसा था और प्यार मोहब्बत कैसे? माशाल्लाह बच्चे सब पूरे फैमिली हमारी बड़ी इज्जत करती थी। बिल्कुल अभी सोशल मीडिया पे भी चल रहा है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक कहा जा रहा है कि उनका जो बेटा है कयूम वो उनके कत्ल में मुलव्वस है। ये तो मैं सोच से बाहर है ये बात, बिल्कुल ये मैं तो बिलीव नहीं करता ऐसा ना कैसे। अभी अभी जो खबरें चल रही हैं लाडला बेटा वो है इतना इतना। हाँ जी, लास्ट जब कयूम का हमने इंटरव्यू किया, एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैंने उसके गुस्से से उसके कान पकड़ के ना ऐसे मोड़ दिया, तो उसके कान में कोई फिंसी वगैरह थी, वो शायद फट गया, खून निकल आया और फिर बाद में बुखार हो गया। तो डॉक्टर साहब बाद में आए, कहने कारी साहब आपकी मैं इहतराम करता हूँ, वरना कोई बंदा होता ना तो मैं उसके हाथ तोड़ देता, तो प्लीज़ मेरे बच्चे को मारेगा नहीं, मेरा सबसे लाडला बेटा है। अच्छा कयूम मतलब सबसे लाडला? हाँ जी बहुत लाडला जी, बहुत जी। लाडले बेटे ने ऐसी हरकत कर दी जिस पर लोग सोच रहे हैं कि एक पाप ने बेटे को, बेटे ने पाप को। मैं तो बिलीव नहीं करता ऐसे हो नहीं सकता, जो हालत थी बेचारे की उसने जनाजा अपने बाप का पढ़ाया है। अच्छा, इसने खुद पढ़ाया? खुद पढ़ाया जी। तो ये भी कुरान है? हाँ, लोग मुझे मुबारकबाद दे रहे थे, कह रहे आपका शागिर्द है माशाल्लाह। एक दफ़ा कुरान खाने के लिए आए तो ये कहने लगे यहाँ जमात करवा लेते हैं तुम्हारे, तो कहने लगा सर जमात मैं कराऊंगा। मैंने कहा माशाल्लाह, मुझे इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। अभी जो सोशल मीडिया पे चल रहा है उसमें कहा जा रहा है कि इसने कहा वालिद को कि मैंने मोहब्बत की शादी करनी है, और मोहब्बत की शादी ना करवाने पर जो है इसने 2 करोड़ की सफारी दी हुई थी कि 5 करोड़ की, और जिसमें 30 लाख इसने एडवांस भी दे रखा था। नहीं, ये अंदर के मामला थे, मुझे नहीं इस बारे में। मैं तो सिर्फ मैं बताया ना कि मैं तो इमामत करता हूँ, घर से इमामत करके चला जाता हूँ। अगर जिस तरह पुलिस कह रही है और जो इन्वेस्टिगेशन उसमें बताया जा रहा है कि जो हमने मान लिया है कि मैंने किया है, तो इस पर कितना क्या सोचते हैं, क्या मतलब जहन में आता है? ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा हादसा होगा कि मतलब ऐसा अगर हुआ तो ऐसे मेरे सोच में था कि ऐसा? मैं नहीं सोच सकता, बिल्कुल सोच नहीं सकता, क्योंकि मैं तो बिल्कुल बिलीव नहीं करता इस बात पे, बिल्कुल ऐसा हो नहीं सकता मेरे ख्याल में। जी बिल्कुल आसिद, आपने इमाम मस्जिद साहब की गुफ्तगू सुनी है 26 साल से जनाब डॉक्टर शाहिद सदीक साहब के इनका साथ तल्लक है, और डॉक्टर शाहिद सदीक साहब का इनके साथ बहुत गहरा तल्लक था, बहुत प्यार था, 26 साल एक फैमिली मेंबर की तरह उनके साथ गुजारे हैं, और आज जो है ये बता रहे हैं कि यकीनन जो है 3 से 4 दिनों जो है नींद भी नहीं आ रही कि एक ऐसे शख्स को हम खो बैठे हैं जिसने हमेशा प्यार दिया है। आप इस बारे में क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। इसी के साथ अपने मेज़बान ज़ीशान अलमानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पान